हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आई हूँ बनाने कुकिंग का। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर और मटर का अचार। तो मैं पास गाजर ज़्यादा नहीं ली थी, मैं 1 केजी 1.5 केजी है अचार, मतलब आज ट्राई कर रही हूँ उसको बनाना। मेरे पापा ने मुझे ये अचार बनाना बताया है, तो मैं इस अचार को बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। पहले मैंने मटर छील लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये मटर मैं छील के और बॉईल करने के लिए डाल दी हूँ। ये ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 2 बार इसका बॉईल होना है, मतलब उबाल आ जाए उसके बाद बंद कर देंगे इसको। और यहाँ पे मैंने गाजर को छील के धो के रख लिया है, जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से लंबे में स्लाइस करना है ताकि इसको खाने में अच्छा से, मतलब अच्छे से खाया जा सके। वैसे काफ़ी छोटा हो जाता है तो उतना मज़ा नहीं आता है। इसको मैं अब ये रेडी करूँगी और मैं इसको इंस्टेंट मसाले से रेडी करूँगी। बाज़ार का मसाला जो होता है, मैं वो पैकेट के मसाले ले आई हूँ। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके इसको भी बॉईल कर लेती हूँ। ये पंचाल का मिक्स अचार मसाला है, इसको मैं थोड़ा इसमें डालूँगी। मेरा गाजर थोड़ा सा ही है इसलिए मैं इसको थोड़ा ही डालूँगी, आधा से भी कम डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, ये टाटा नमक इसको डालूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा रहता है नमक, नमक मिर्ची इसमें रहती है सब कुछ, इसलिए कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी, ये सरसों का तेल है, मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी थोड़ा है। ज़्यादा अचार में तेल नहीं डालना है क्योंकि जल्दी खाना है इसको, रेडी हो जाता है। इंस्टेंट मसाला होने की वजह से फटाफट रेडी हो जाता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा ही डालूँगी। ये मैं इतना इतना मसाला ले चुकी हूँ, थोड़ा नमक है थोड़ा मसाला, और मुझे इसको खट्टा करने के लिए चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूँगी। बड़ा नींबू हो तो आप एक ही नींबू डालिए, और अगर छोटे हों तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना खट्टा खाना हो। ये मसाला मेरा मिक्स हो चुका है और ये मेरा गाजर है, मैं इसमें रख ली थी, पानी इसका निकल गया है पूरा। और ये थोड़ा सा मटर भी था, मैं मटर भी थोड़ा बॉईल कर ली हूँ। इसमें आप और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, गोभी वगैरह जो भी है, और मैं गोभी नहीं, इसमें थोड़ा सा मटर मेरे पास था तो मैं मटर डाल दी हूँ, वरना मैं सिर्फ गाजर का ही बनाने वाली थी, लेकिन था तो मैंने इसको भी कर लिया। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मैं मटर इसमें थोड़ा सा ही डाली हूँ और मसाला भी मैं कम ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंट है और फटाफट ये फिनिश भी हो जाएगा। और मैं इसको बना के रख लेती हूँ और मैं इसको अब 1-2 दिन बाद मैं इसको खाना स्टार्ट करूँगी, ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा मसाला मतलब इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर मुझे इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप बताइएगा, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा तो, कि और क्या मिक्स कर सकते हैं और क्या चीज़ इसमें कमी है वो भी बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।